गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को लेसन टू पढ़ाने जा रही हूँ। पीपल हु हेल्प अस, सब्जेक्ट SST का लेसन टू, पीपल हु हेल्प अस, पेज नंबर 205। आप लोग सारे बच्चों पेज नंबर 205 निकालो और लेसन टू पीपल हु हेल्प अस निकालो। पेज नंबर 205 में है और साथ ही मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ाई करते जाना है। तो फर्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ पीपल हु हेल्प अस। पीपल हु हेल्प अस का मतलब जो लोग है हमें क्या करता है, हेल्प करता है ना, जो हम लोगों को हमारे दिन के दिन, मतलब हर दिन हमारे लाइफ में हर दिन जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट है नंबर 1 द रोल ऑफ ए पोस्टमैन। तो फर्स्ट में है क्या, द रोल ऑफ ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन का क्या रोल होता है। फिर सेकंड है द रोल ऑफ ए डॉक्टर, तो सेकंड में है एक डॉक्टर का क्या रोल होता है। फिर थर्ड नंबर द रोल ऑफ ए टीचर, एक टीचर का क्या रोल होता है। नंबर फोर्थ में द रोल ऑफ ए पुलिसमैन, एक पुलिसमैन का क्या रोल होता है। तो मैं आप लोग को आज ये समझाने जा रही हूँ। आज हम लोग क्या सीखेंगे, ये पोस्टमैन, डॉक्टर, टीचर और पुलिसमैन, तो हमारे जीवन में इन लोगों का क्या हेल्प है, ये सीखने जा रही हूँ हम लोग। तो फर्स्ट आइए हम लोग पढ़ते हैं पोस्टमैन, पोस्टमैन का क्या रोल होता है। In the pictures shown below, we see a postman delivering a letter, a doctor treating a patient, a teacher teaching in a class, and a policeman with a tip. What do you understand from these pictures? We learn that we need the help of other people in our day-to-day life. तो आप लोग को बुक्स में ये पिक्चर दिया हुआ है, जो पिक्चर दिया हुआ है, ए डॉक्टर ट्रीट द सिक पीपल, एक डॉक्टर जो क्या कर रहा है, एक बीमारी आदमी को इलाज कर रहा है। ए पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर, और एक पोस्टमैन क्या कर रहा है, हमारे लिए लेटर लेके आ रहा है। ए टीचर टीचेस अस, और टीचर क्या कर रहा है, आप लोग को तो ये पता है टीचर क्या करता है, आप लोग को टीच करता है ना, सिखाते हैं। उसके बाद ए पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, तो एक पुलिसमैन क्या कर रहा है, एक लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो आदेश पालन कर, पालनकारी बोल सकते हैं हम लोग, जो जिसका वो पालन कर रहा है, आदेश पालन कर रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर लॉ ऑर्डर क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो अभी देखो इन द पिक्चर शोन बिलो वी सी पोस्टमैन डिलीवरिंग ए लेटर, तो हम एक नीचे जो पिक्चर है, पिक्चर में क्या देखा है, एक पोस्टमैन क्या कर रहा है, लेटर को डिलीवर कर रहा है। ए डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, एक पेशेंट को, एक बीमारी आदमी को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है। उसके बाद ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास एंड ए पुलिसमैन विथ ए थीफ, तो एक टीचर क्या कर रहा है, क्लास में सिखा रहा है यानी कि पढ़ा रहा है। उसके बाद ए पुलिसमैन विथ ए टिप, एक पुलिस जो है किसके साथ है, एक चोर के साथ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर्स, तो आप लोग को ये पिक्चर्स से क्या समझ में आया। वी लर्न डैट वी नीड हेल्प ऑफ आवर अदर पीपल इन आवर डे टू डे लाइफ, तो हमें दूसरे लोगों से दिन के दिन क्या चाहिए, हर दिन में हेल्प चाहिए होता है, डे टू डे हमें दिन के दिन क्या चाहिए, दिन ब दिन हमें एक दूसरे का हेल्प चाहिए होता है। पोस्टमैन, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न डैट वी राइट लेटर्स टू कम्युनिकेट विथ अदर आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन द सेम सिटी और इन अदर सिटीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो क्या हुआ,
इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोग पहले वाले चैप्टर में आगे हम लोग कम्युनिकेट लेसन जो कम्युनिकेट हम लोग पढ़ के आया है, तो यू लर्न डेट वी राइट लेटर्स टू कम्युनिकेट। तो हम कम्युनिकेट के लिए क्या सीख के आया था, हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं लेटर के जरिए, और ढेर सारा आप लोग पढ़ाई किया है जैसे टेलीविजन, रेडियो और ये सब के बारे में आप लोग पढ़ के आया है, जैसे हम लोग कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब के ज़रिए हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब आप लोग को पता है कि मैंने पहले बोला था आदान प्रदान, यानी लेन देन, आना जाना, ये सब होता है कम्युनिकेट, ये सारे कम्युनिकेट के अंदर आते हैं। आप लोग को मैंने पढ़ाया है, पहले सिखाया है। तो दूसरा अभी क्या हुआ, हम लोग पहले चैप्टर में भी सीख के आया कि कम्युनिकेट हम लोग लेटर के जरिए भी करते हैं। तो इधर यही बताया कि द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न डेट वी राइट द लेटर्स टू कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स लिविंग इन द सेम सिटी। हम लोग एक ही सिटी में रहने वाले हैं, बट हम लोग अभी फिलहाल फिलहाल आप लोग यही सोचो कि हम लोग इधर से अभी सिटी जाना है, तो हम लोग अपना गांव से सिटी नहीं जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ये आप लोग को पता है, लेकिन अभी हम लोग चिट्ठी लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे रिलेटिव्स बाहर में है, जैसे बिहार में है और दूसरा दूसरा जगह में, ऐसे कोई अलग अलग जगह में, बिहार में, पंजाब में, कहीं पे भी होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम सिटी नहीं होके अलग सिटी होने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए लेटर लिख सकते हैं अपने रिलेटिव्स को। अपने रिलेटिव्स को अगर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, चिट्ठी लिख के। अभी तो फ़िलहाल लोग ज़्यादा मोबाइल ही यूज़ करते हैं, मोबाइल में हो जाता है, बाहर में भी होता है, इंडिया के बाहर भी हम लोग मोबाइल से बात कर सकते हैं और चाहे इंडिया के अंदर। तो ये हो गया एक पोस्टमैन का जो रोल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चिट्ठी से कम्युनिकेट करते हैं अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड को। द पर्सन हु डिलीवर्स आवर लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स इज कॉल्ड ए पोस्टमैन। द पर्सन, वो पर्सन है जो क्या करता है, डिलीवर्स आवर लेटर्स, हमारे लेटर्स को डिलीवर करता है, मनी ऑर्डर्स, पैसा को भी हम लोग भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड पार्सल्स इज और पार्सल्स जो हम कुछ पार्सल, आप लोग को पता है पोस्ट ऑफिस से अभी हम लोग कुछ सामान मंगाने से हम लोग को पोस्ट ऑफिस से आके घर में दे के जाता है, आप लोग देखा होगा, जैसे आप लोग अभी फ्लिपकार्ट से और ऐसे मोबाइल के द्वारा आप लोग ढेर सारे सामान मंगवाते हो, तो ये क्या होता है, डिलीवर बॉय आके घर घर में दे के जाता है, नहीं तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में भी ऑर्डर करके ले सकते हो। तो ये क्या है, पार्सल्स होता है, जो हम लोग दूसरा जगह से सामान मंगाते हैं उसे पार्सल्स बोलते हैं। सिर्फ सामान ही नहीं और कोई भी ढेर सारे होते हैं, वो सर्टिफिकेट वगैरह ये सब भी होता है, वो जो हम लोग दूसरा जगह से मंगवाने से हम लोग को पोस्ट ऑफिस से मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, जो हमें ये डिलीवर करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। ही कलेक्ट्स दिस थिंग्स फ्रॉम द लोकल पोस्ट ऑफिस। तो वो क्या करता है, कहाँ से कलेक्ट करता है, हम लोग का लोकल पोस्ट ऑफिस। आप लोग को पता है आप लोग का हर अपने अपने एक क्या होता है, जगह का पोस्ट ऑफिस होता है जिसको लोकल पोस्ट ऑफिस बोलता है। जैसे आप लोग को पोस्ट कोई कोई आके अगर पूछता है तो आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आप अपना जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका नाम बताते हो, तो वही क्या है, लोकल पोस्ट ऑफिस। जैसे हम लोग का पोस्ट ऑफिस क्या है, डीजू, आप लोग को पता है मैंने पहले भी सिखाया था, तो ये क्या है, लोकल पोस्ट ऑफिस है, तो उधर से क्या करता है, सामान लेके देता है। एवरी बिग विलेजेस हैज पोस्टमैन। तो जितने भी बड़े बड़े गाँव है उसमें क्या होता है, पोस्टमैन होता है। इन केस ऑफ स्मॉलर विलेजेस, चाहे छोटे गांव ही क्यों ना हो तो उसमें भी क्या होता है, पोस्टमैन होता है। देयर इज ए पोस्टमैन हु कैरीज द पोस्ट टू मोर देन वन विलेज, बट द बिग सिटीज टाउन्स हैव मैनी पोस्ट ऑफिस। तो क्या है, देयर इज ए पोस्टमैन हु कैरीज द पोस्ट मोर देन वन विलेज,
तो एक पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एक ही पोस्टमैन क्या करता है, एक ही गांव में वो कर सक सामान डिलीवर कर सकता है। फिर भी सिटीज़ और टाउनों में क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है पोस्ट ऑफिस। सिर्फ गांव में एक होने से भी कोई, लेकिन सिटी में जो होता है पोस्ट ऑफिस एक से ज़्यादा होता है। सो डे रिक्वायर मैनी पोस्टमैन, तो इसलिए वो लोग क्या करता है, एक से ज़्यादा पोस्टमैन का रिक्वायर करते हैं। ईस्ट पोस्टमैन कैरीज पोस्ट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिटी। तो ये जो अलग अलग एक ही सिटी में जैसे अलग अलग पोस्टमैन होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, सिटी के कोई एक पर्टिकुलर जगह में ही अपना सामान पोस्ट जो सामान देने जाता है, मतलब सामान को रखने जाता है। जैसे सिटी में ढेर सारा जगह होता है, तो अलग अलग जगह में एक ही आदमी हर जगह में कवर नहीं कर सकता है, तो एक जगह में एक ही पोस्टमैन जाके डिलीवर कर सकता है, ऐसा सिस्टम होता है। जैसे हम लोग का गांव में क्या होता है, आप लोग देखा होगा छोटे मोटे गांव में एक ही पोस्टमैन सारे गांव एक ही गांव में घूम के गांव को कवर करता है, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, ढेर सारा जगह होता है, गली गली होता है, तो एक पोस्टमैन जो उसमें कवर नहीं कर पाता है वो खुद इतने सारे जगह, तो इसलिए क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पोस्टमैन रखा जाता है जो डिलीवर करता है जगह। द पोस्टमैन वर्क इन रेन और सनशाइन। तो एक पोस्टमैन क्या होता है, जो रेन में यानी बारिश में और सनशाइन यानी धूप में, तो पोस्टमैन को क्या होता है, जो डिलीवर करना होता है, जो सामान देना होता है तो उसको देना ही पड़ता है, उनके लिए ना बारिश होता है ना धूप होता है। धूप होने से भी उनको जाना पड़ता है, बारिश होने से भी उनको जाना पड़ता है। जैसे आप लोग को धूप होने से भी स्कूल आना पड़ेगा, खुला होने से, बारिश होने से भी आना पड़ेगा, तो ये आप लोग के लिए है। लेकिन पोस्टमैन किसके लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए, पोस्टमैन जो हम लोगों के लिए हमारे सामान जो डिलीवर करने आता है, तो वो कभी धूप और बारिश का परवाह नहीं करता है। ही इज़ आवर फ्रेंड इन नीड। तो वो क्या है, हमारे ज़रूरतमंद फ्रेंड है, आप लोग को पता है। तो पोस्टमैन क्या है, हमारे फ्रेंड है, जो हमारे लिए काम करता है, जो कभी धूप और बारिश का परवाह नहीं करके हमारे हेल्प करता है। तो आप लोग को पता हो गया कि पोस्टमैन हमें कैसे हेल्प करता है, और पोस्टमैन क्या काम करता है, क्या क्या करता है, मनी ऑर्डर करता है। आजकल आप लोग को सिंपल वर्ड से बोलूँ तो होम डिलीवरी है ना, जो होम डिलीवरी करता है, अपने घर में आके सामान दे के जाता है। तो सपोज़ आपका भैया कुछ बाहर से भेज रहा है, आपका बहन कुछ बाहर से भेज रहा है, तो वो देने के लिए पोस्टमैन क्या करता है, धूप और बारिश का परवाह नहीं करके आपके घर पहुंचाते हैं। तो एक पोस्टमैन कितना सारे काम करते हैं हमारे लिए ना। ओके, तो आज के लिए मैं आप लोग को ये पोस्टमैन समझाया, उसके बाद नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर टीचर पुलिसमैन। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में डॉक्टर पुलिसमैन और टीचर सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही है। ओके।